वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं प्राचीन रहस्य, पौराणिक कथाएं और प्रसिद्ध अविश्वसनीय प्राचीन तथ्यों के रहस्य और उनसे जुड़े दिलचस्प वीडियोस। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो, दिव्या भारती हत्या या आत्महत्या से जुड़ा हुआ। दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड में परिवर्तन की एक लहर चल रही थी। यही दौर था जब नए और गुमनाम लेकिन प्रतिभावान चेहरे लोगों की पसंद बन रहे थे। इन्हीं चेहरों में से एक थी दिव्या भारती। दिव्या बेहद होनहार अभिनेत्री थी। 90 के दशक में बड़े हुए लोग दिव्या का गाना सात समंदर आज भी गुनगुनाते हैं। दिव्या भारती उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने कम उम्र में ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल कर लिया था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक तमिल फिल्म बॉबीली राजा में काम किया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौर की सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम, विश्वात्मा, दिल आशना है और दीवाना जैसी फिल्मों में दिव्या ने अपने सफलता के झंडे गाड़े थे। हालांकि सिर्फ 19 साल की आयु में रहस्यमय मौत की वजह से उनके उड़ते हुए करियर पर ब्रेक लग गया। आइए उनकी मौत से संबंधित कुछ तथ्यों को आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी जान पाएंगे कि ये एक हत्या थी या फिर आत्महत्या। नंबर एक, हत्या या फिर आत्महत्या। दोस्तों, 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या भारती की आखिरी रात साबित हुई थी। कहा जाता है कि दिव्या की मौत मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक 5 मंजिली इमारत से गिरने की वजह से हुई। कुछ लोगों ने माना कि ये आत्महत्या का मामला था, जबकि कुछ लोगों को इस मौत में षड्यंत्र नजर आता है। वे इसे निर्मम हत्या का मामला मान रहे थे। मुंबई पुलिस इस मामले में सबूत जुटाने में कामयाब नहीं रही और इस केस की फाइल को 1998 में बंद कर दिया गया। नंबर दो, षड्यंत्र की कहानी। दोस्तों, इस पूरे मामले को षड्यंत्र के तौर पर देखने वाले लोग दिव्या भारती के होने वाले पति साजिद नाडियाडवाला पर उंगली उठाकर देखते हैं। इस मृत्यु को अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, जबकि एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक दिव्या भारती की साजिद के साथ बढ़ रही नजदीकियों और फिल्मी दुनिया में अप्रत्याशित सफलता ने उसे उसके माता पिता से दूर कर दिया था। यही वजह है कि उन्होंने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। मामला चाहे जो भी हो, दिव्या भारती की मौत का मसला अब भी एक रहस्य बना हुआ है। काली रात। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस रात ये घटना हुई थी उसी दिन दिव्या भारती ने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था। इस 4 बेडरूम वाले फ्लैट पर वो अपने भाई के साथ लंबे समय तक बातें करती रही। इससे एक दिन पहले ही वो चेन्नई से एक शूटिंग खत्म करके लौटी थी। 5 अप्रैल को दिव्या के फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में होनी थी, लेकिन फ्लैट खरीदने की वजह से दिव्या ने इस दिन अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी थी और अगले दिन की तारीख रख भी दी थी। ये भी कहा जाता है कि दिव्या भारती ने अपने पैर में चोट होने की वजह से शूटिंग को टाल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या इस दिन डिजाइनर नीता लूला और उनके पति के साथ अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर मुलाकात करने वाली थी। वर्सोवा का ये फ्लैट दिव्या के नाम पर पंजीकृत नहीं था। घटना से पहले नीता लूला अपने पति के साथ रात 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंची। तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे और लगातार बातें कर रहे थे। तभी दिव्या अपने किचन में चली गई और इसी बीच नीता और उनके पति टीवी पर एक वीडियो देखने में मशगूल हो गए। फ्लैट से गिरने से ठीक पहले दोस्तों दिव्या भारती के ड्राइंग रूम से जुड़ी हुई कोई बालकनी नहीं बल्कि एक बड़ी खिड़की थी। दुर्भाग्य से इस खिड़की में ग्रिल नहीं था और इसके नीचे एक गाड़ियों को पार्क करने की जगह भी बनी हुई थी। घटना के वक्त उस जगह पर कोई गाड़ी पार्क नहीं थी। कहा जाता है कि किचन से लौटने के बाद दिव्या उस खिड़की की पतली दीवार पर बैठ गई थी, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वो 5 मंजिली इमारत से नीचे गिर पड़ी। दिव्या के आखिरी पल। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दिव्या खून से लथपथ पार्किंग क्षेत्र में पड़ी थी। उनकी नब्ज चल रही थी और जल्द ही उन्हें मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। दोस्तों, आज दिव्या भारती हमारे साथ नहीं है और उनके मरने के पहले शायद कई राज खोलने वाली थी। उनकी अकस्मात मृत्यु ने उनके साथ ही सारे राज दफन कर दिए, वरना भारत के वो राज सामने आ जाते जो बड़े बड़ों को हिला के रखते थे। दिव्या जहां भी हैं उनके फैन आज भी उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, ये था
था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया दिव्या भारती के मौत से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है या आप इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप पहली बार डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे दिलचस्प वीडियोस। देखते रहिए डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल।